हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री उमामर बॉडी बिल्डर्स में। मैं हूं आपका दोस्त दिव्येश और दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं टाटा योद्धा 2.0 का फुल वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे इसकी बॉडी, दिखाएंगे इसके कैबिन का इंटीरियर और बात करेंगे इसके स्पेसिफिकेशन और माइलेज की। तो चलिए आज के वीडियो का आरम्भ करते हैं। जैसे कि दोस्तों फ्रंट में यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे एक शानदार बम्पर बनाया है जो इस गाड़ी के लुक को और अच्छा बना रहा है। दरवाज़ों के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं योद्धा 2.0 की बैचिंग कंपनी ने प्रोवाइड की है। टाटा ने इस गाड़ी के अंदर फेसलिफ्ट मॉडल प्रोवाइड किया है जो कि इस गाड़ी के लुक को और भी अच्छा बना रहा है। टाटा योद्धा 2.0 का फ्रंट लुक यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों। क्रोम गार्निशिंग के साथ यहाँ पे बड़े हेलोजन हेडलैम्प्स टाटा ने प्रोवाइड किए हैं। आगे के बम्पर में भी काफ़ी सारा मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे टाटा ने किया है दोस्तों। विंडशील्ड की बात करें दोस्तों तो काफ़ी बड़ी विंडशील्ड यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड की है। दो वाइपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, साथ में वाटर जेट स्प्रे भी टाटा ने प्रोवाइड किया है दोस्तों। बड़ा सा बोनट आपको इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है जो कि इस गाड़ी की सेफ्टी को भी काफ़ी बढ़ाता है दोस्तों। टाटा योद्धा 2.0 के लुक को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हमने फ्रंट में एक बम्पर बनाया है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के कैबिन की तरफ। कैबिन के अंदर क्या टाटा ने चेंजेस किए हैं ये भी हम आपको दिखाने वाले हैं। श्री उमा अमर बॉडी बिल्डर्स भरूच में बनी हुई इस टाटा योद्धा 2.0 का वीडियो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों। साइड प्रोफाइल से देख सकते हैं दरवाजों के ऊपर योद्धा 2.0 की बैचिंग दी हुई है। डोर हैंडल भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से डोर हैंडल यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किए हैं। मेन्यू और व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैबिन खोलते ही यहाँ पे आपको दिख जाएगा टोटली ब्लैक कलर का इंटीरियर जो कि काफ़ी शानदार और बेहतरीन लुक से टाटा ने बनाया है। इस कैबिन के अंदर आपको काफ़ी स्पेस मिलने वाली है दोस्तों। 1+2 का ये कैबिन है जिसके अंदर 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। कैबिन के अंदर चढ़ने के लिए यहाँ पे फुटस्टेप भी टाटा ने प्रोवाइड किया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं एडजस्टेबल सीटें दी गई है जो कि काफ़ी आरामदायक रहने वाली है दोस्तों। गाड़ी के अंदर हेड स्पेस आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है और लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। टाटा योद्धा 2.0 के अंदर ये वाला जो कैबिन है दोस्तों ये AC कैबिन है। इसके अंदर यहाँ पे आप चाबी चालू करते ही आप देख सकते हैं डिजिटल प्लस एनालॉग क्लस्टर यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किया है जो कि काफ़ी शानदार लग रहा है दोस्तों। इस डिजिटल प्लस एनालॉग क्लस्टर के अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन टाटा आपको प्रोवाइड करने वाली है। फ्यूल गेज, स्पीडोमीटर, RPM मीटर और काफ़ी सारी जानकारी इसके अंदर आपको मिल जाएगी दोस्तों। टाटा योद्धा 2.0 के अंदर यहाँ पे आपको 14 से 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलने वाली है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों इसके इंटीरियर की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AC केबिन के होने के कारण यहाँ पे AC वेंट यहाँ पे टाटा ने प्रोवाइड किए हैं। मैनुअल AC आपको मिल जाएगा। म्यूजिक प्लेयर के लिए भी यहाँ पे आपको कटआउट मिल जाएगा दोस्तों। पावरफुल इंजन होने के कारण इस केबिन को ठंडा करने के लिए इस गाड़ी को बिल्कुल भी देर नहीं लगती दोस्तों। इसका AC बहुत ही शानदार चलता है और काफ़ी कूलिंग आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन टाटा ने प्रोवाइड किया है जो कि काफ़ी पावरफुल है दोस्तों। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट भी टाटा ने प्रोवाइड किया है जिससे आप अपना फ़ोन आसानी से चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। टाटा योद्धा 2.0 के स्पेशियस कैबिन के अंदर आपको यहाँ पे एक लॉकेबल ग्लो बॉक्स मिल जाएगा। साथ में ऊपर आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी दोस्तों। स्टीयरिंग व्हील की बात करें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा स्टीयरिंग व्हील टाटा ने प्रोवाइड किया है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। कैबिन के अंदर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे मोड मिल जाएंगे, इको मोड, फ्यूल एफिशिएंट मोड। टाटा ने इस कैबिन को काफ़ी अच्छा बनाया है दोस्तों। हैंड ब्रेक लीवर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ड्राइविंग सीट के नीचे हैंड ब्रेक लीवर आपको टाटा ने प्रोवाइड किया है दोस्तों। ड्राइवर सीट के पीछे यहाँ पे आपको जैक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। स्पेशियस केबिन होने के कारण इस गाड़ी के अंदर आपको अच्छी खासा हाइट स्पेस मिलने वाला है और साथ में यहाँ पे आप सेंटर में एक लाइट देख सकते हैं दोस्तों।
तो ये थी दोस्तों इस केबिन की डिटेल की बातें। टाटा योद्धा 2.0 काफ़ी शानदार मुझे तो लगी है दोस्तों, आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। टाटा योद्धा 2.0 का ये नया वर्जन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अब हम दोस्तों आपको दिखाने वाले हैं टाटा योद्धा 2.0 की बॉडी जो कि हमने यहाँ पे बनाई है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्रंट बम्पर की, तो हमने यहाँ पे कैबिन के आगे एक फ्रंट बम्पर बनाया है जो कि इस गाड़ी के लुक को अच्छा भी बना रहा है और इस गाड़ी की सेफ्टी को और बढ़ा रहा है दोस्तों। टाटा योद्धा 2.0 के ऊपर हमने एक बॉडी बनाई है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपनी मैचिंग कलर के साथ हमने इस बॉडी को बनाया है और काफ़ी शानदार और बेहतरीन लुक ये गाड़ी को प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। बॉडी डायमेंशन की बात करें दोस्तों तो 8.7 फीट की लंबाई के साथ ये बॉडी आपको मिलेगी और 6 फीट चौड़ाई के साथ ये टाटा ने कार्गो बॉडी बनाई है जिसके ऊपर हमने यहाँ पे दमदार बॉडी बनाई है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें दोस्तों तो 2000 केजी पेलोड कैपेसिटी की इस गाड़ी के अंदर टाटा ने प्रोवाइड की है। रियर बम्पर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने हैवी चैनल का रियर बम्पर बनाया है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं टेल लाइट की सेफ्टी के लिए हमने यहाँ पे लाइट ग्रिल बनाई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। बॉडी का लुक यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे हमने बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है। फ्लोर के अंदर हमने यहाँ पे GI प्लेट का फ्लोर कवरिंग किया है और अंदर से यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉडी का लुक हमने कैसे बनाई है दोस्तों। कंपनी मैचिंग कलर हमने बॉडी के अंदर भी यहाँ पे अप्लाई किया है दोस्तों। किसी भी व्हीकल की बॉडी बनाने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। योद्धा 2.0 के साथ एक और गाड़ी रेडी होके खड़ी है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा AC HT प्लस हमने यहाँ पे कंटेनर बॉडी के अंदर बना के रखी हुई है जिसका वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और छोटे से बेल आइकन को भी दबाइए ताकि वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए दोस्तों। फ्रंट बम्पर और बॉडी के साथ ये गाड़ी कैसी लग रही है ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। किसी भी प्रकार की बॉडी का वर्क करवाने के लिए आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए दोस्तों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। टाटा योद्धा 2.0 के बॉडी और स्पेसिफिकेशन का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों। अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।